एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर, ऐसी शख्सियत से हम बात कराने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी निष्ठावान से पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। सेशन जज रिटायर्ड पदम सिंह जी, आइए हम उनसे बात करते हैं, जो आज भारतवर्ष का जो सिलसिला चल रहा है कि आज सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो चार जजेज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बोला कि आज लोकतंत्र खतरे में है। हम बात करते हैं कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है, या ये जो चार जो जजों ने जो अपनी बात रखी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने इन्होंने अपनी बात को रखा है, उसके अंदर कहां तक सच्चाई है और कैसे सच्चाई है, आइए हम बात करते हैं। सर, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सर, अभी जो 12 तारीख को जो घटना घटी है, उसमें चार जजेज ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्योंकि अनुभवी रहे हैं और आप ऐसे पद पर रहे हैं, निष्ठावान और ईमानदारी से अपना कार्यकाल समाप्त किया है। देखिए, ऐसा है, जुडिशरी के इतिहास में ये 12 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के चार सीनियर मोस्ट जजेज उन्होंने आकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, और वो एलिगेशंस ये हैं कि उनकी कुछ ऐसी बातें हैं कि सीनियर मोस्ट जजेस को पास करके और जूनियर मोस्ट जजेस को जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं या जो संवैधानिक केसेस हैं जिसमें संविधान उसमें इंक्लूड है, उनको ट्रांसफ़र जूनियर मोस्ट को कर दिया। तो उसके ऊपर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ध्यान खींचने के लिए अपनी जो ये शिकायतें थी उनके सामने रखी, और उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये आज की नई बात नहीं है कि ये हम जुडिशरी में आज तक ऐसा होता आया है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर कर उतर जाता है तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये अपना हिम्मत करके कि अगर हम इस तरह की बातें चीफ जस्टिस के नोटिस में नहीं लाएंगे तो हमारा वास्तव में है जो डेमोक्रेट प्रजातंत्र राज्य है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक को खतरे का मतलब ये है, क्योंकि जनरल पब्लिक को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा कोई स्वतंत्र देश का होने का या डेमोक्रेसी का होने का कोई फायदा नहीं, इसलिए ये खतरे में हो। दूसरी बात ये है, आज पहली दफ़े जुडिशरी में, जो हमारी जुडिशरी ये मानी जाती थी कि इंडियन जुडिशरी बहुत इम्पार्शल है और ऑनेस्ट है, उसकी आज सारी इज्जत दांव पर लग गई है। क्यों? ये टीवी पे और सारे विदेशों में जितनी भी कंट्री हैं देश में, दुनिया में हमारी जो इमेज बनी हुई थी के हिंदुस्तान की जुडिशरी इम्पार्शल, ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट है, उस पर एक धब्बा लगेगा। इस विषय में मेरा ये कहना है कि जस्टिस कर्नन ने ये आरोप लगाया था चीफ जस्टिस के ऊपर, कुछ एलिगेशन लगाए थे करप्शन के, और उन्होंने एप्लीकेशन के बेस पर वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट उसको प्रधानमंत्री को और जितने भी अपने वो जजेस थे उनके सबकी नॉलेज, सीनियर मोस्ट की जजेज को भी नॉलेज में था कि इसका आप जांच पड़ताल करिए, इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करिए अगर ये बात है तो। लेकिन बजाय इसके कि प्रेसिडेंट को भेजते अपना प्रधानमंत्री और उसमें कोई एसआईटी बना करके उसको केवल इन्वेस्टिगेशन करते, और अगर वो करप्शन की बात थी, करप्शन का एलिगेशन है, तो इट इज़ द ड्यूटी अपने उसके प्रधानमंत्री की ड्यूटी और चीफ जस्टिस की भी ड्यूटी थी कि उसको इन्वेस्टिगेट कराते, जिससे सही का सही और गलत का गलत, सत्य रियलिटी सामने आती। वजह उसके उन्होंने उसको कंटेम्प्ट का नोटिस दिया और कंटेम्प्ट का नोटिस दे करके उनको 6 महीने का सजा कर दी। तो ये इम्पार्शलिटी है, वो पार्शलिटी है। क्यों? मेरी निगाह में, मेरी जानकारी में, कर्नन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल कास्ट के होने के नाते उनको ये पनिशमेंट किया है, ये मेरी जानकारी। इसलिए जो नहीं करना चाहिए, तो ये शो करता है कि इंडियन जुडिशरी में सब कुछ ठीक नहीं है,
जैसा कि इन्होंने अपने चार सीनियर मोस्ट जजेज ने लिख दिया है वो बात सही है, उसमें गलत भी बातें होती हैं। और मैं ये अनुभव की बात बता रहा हूँ, शुरू से लेकर के आखिर में आज तक नहीं, ये हमेशा इम्पार्शियलिटी पार्शलिटी होती चली आई है। क्यों? देखिए केसेस हैं, ये प्रेसिडेंट है कि जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं और जो विधान संविधान से संबंधित मैटर्स हैं वो हमेशा सीनियर मोस्ट जजेस को रेफर किए जाते हैं, इनक्लूडिंग संविधान बेंच है। संविधान बेंच पाँच या सात, सात या नौ, नौ या ग्यारह, ये संवैधानिक बेंच होती है जिसमें जजेस होते हैं। तो चीफ जस्टिस है, उसमें ये ड्यूटी थी कि चीफ जस्टिस को जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, संवैधानिक मैटर्स हैं, उनको अपना खुद ना रख के अगर उन्हें ट्रांसफ़र ही करना है किसी, तो सीनियर मोस्ट जजेस को ट्रांसफ़र करना चाहिए था, वहाँ पर भेजना थी। लेकिन यहाँ पर अब वजह क्या थी? और मामले तो परसों आपने देखा, इंटरव्यू हुआ, चार जजेस मिले चीफ जस्टिस से जा करके, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, पेपर में है ये, आपके लिस्ट बनाई 12 मामलों की, और उनको अपना चीफ जस्टिस कहा इसमें हमको ये रोड मैप, जो कहते हैं कि क्वेश्चन से क्या है, क्या कहना, वो रोड मैप कहते हैं, उन्होंने एक रोड मैप बताया और दिया। लेकिन उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि इस पर विचार करेंगे। मतलब ये है कुछ ना कुछ, जब सिर से ऊपर पानी उतर गया था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। और ये गड़बड़ आज से नहीं, सीनियर मोस्ट जजेस के उनके शिकायत के आधार पर, इसका मतलब ये है कि पहले से ही चली आ रही है सीनियर। तो ये अगर इस तरह की इम्पार्शलिटी ना होकर के पार्शलिटी होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की बातें होती हैं, तो जिन पर पब्लिक की निगाह होती है, सबर्डिनेट केस में मान लीजिए, सबर्डिनेट कोर्ट्स में कोई केस हारता है, उसकी अपील हाई कोर्ट में करता है, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और इस आशा से कि नीचे से ऊपर तक हाई कोर्ट तक उसके साथ अन्याय होता चला है, तो उसकी आंख फिर सुप्रीम कोर्ट पर जाती है कि वहाँ भी न्याय होगा। अगर वहाँ भी न्याय नहीं होता तो एक गरीब आदमी और पब्लिक का आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र खतरे में है, भारतवर्ष का जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो हमेशा खतरे में रहेगी। सर मेरा मानना यह है, जैसे कि जस्टिस कर्नल साहब को 6 महीने की सजा हुई, छवि ने मिलकर जैसा आपने बोला कि जातीय स्तर पर षड्यंत्र रहा मेरा, हाँ मालूम बिल्कुल। लेकिन सर ये जो चार जजों ने वही भ्रष्टाचार की बात करी है, वही सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पर उंगली उठाई है, क्या इनके साथ भी वही धाराएं, वही कानून लागू होगा या नहीं होगा? आप पुराने रिटायर जज हैं, देखिए कानून तो ये कहता है, लॉ तो ये कहता है कि वो लॉ के मामले में सभी लॉ के वो निष्पक्ष है और लॉ पर सबके साथ ही एक सा होगा। लेकिन वहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये तो सीनियर मोस्ट चार जजेस हैं, उन्हीं को पता है क्या। लेकिन जो मेरे और पब्लिकली जो आया है, मामला कहाँ से शुरू हुआ था, ये होता है मेडिकल MCI मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की बात थी, तो उसमें ये बात थी कि उसमें एक नाम आया था कि एक तो उसका उड़ीसा के जस्टिस का जेल में आज भी उनके साथ उसी में करप्शन के मामले में ही, नाम नहीं दिए हैं, इन्वॉल्व बताते हैं, और उसमें ये भी था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व, देखिए लॉ ये है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और मान लिया एक जज ही कोई अपराधी है, तो उस जज को अपने पास वो मैटर नहीं रखना चाहिए था। मान लिया एक मैं ही अपराधी हूँ और मैं ही उसको मैटर को अपने पास रखूँ और मैं ही एक उसका निर्णय करने लगूँ, मैं अपराधी हूँ और मैं ही न्यायाधीश हूँ, मैं उस, तो ये फैसला कहाँ से होगा, ये इम्पार्शल कहाँ हुआ, ये तो पार्शलिटी हुई। ये प्रेसिडेंट ये है, अगर कोई केस मुझसे इन्वॉल्व है तो उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए दूसरों के यहाँ। सर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रांसफर करने की, आपने बताया? देखिए हाँ मैं बता रहा हूँ, ये ट्रांसफर केसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ जस्टिस की होती है। चीफ जस्टिस इंडिया की ड्यूटी थी कि इसको अपना ट्रांसफर करते दूसरों के केस का, सीनियर मोस्ट लोग के जैसे उनको सरपास करके एक दस में
या टेंथ पोजीशन जिसकी अपना वो सीनियरिटी है वहाँ भेज दीजा, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि न्याय है, ये इससे अन्याय होने की ज़रूरत है अवश्य वो आशा है। तो ये फिर इंडियन जुडिशरी जो वो इम्पार्शल नहीं हुई, फिर पार्शल हुई, तो ये इसलिए लगाए। अब इसमें देखिए ये क्यों भेजा जाए, ये बात बहुत ज़रूरी है क्यों। इसमें जस्टिस बी एच लोहा हाईकोर्ट के जज जी, जहाँ ये गुजरात की बात थी, उसने सुराबुद्दीन का केस अपना डील किया उन्होंने, और आपको विधानों सभी को पता होगा, आप तो रिपोर्टर हैं, कि उसमें अमित शाह जो प्रेसिडेंट है आजकल बीजेपी के, वो जेल में भी रहे थे, वो जेल में रहे थे और उसमें वो इन्वॉल्व थे। मेरी जानकारी में ऐसा है जो है कि वो जेल गए थे और उसकी जमानत उन्होंने खारिज की या क्या कहे, लेकिन उनको 1 दिसंबर 2014 को वो अपने एक सहयोगी की बेटी की शादी में गए हुए थे और सहयोगी की शादी में वहाँ उनका मर्डर कर दिया गया, और मर्डर करने के बाद में उसके बेटे ने, उसके दो बहनों ने और उनके फादर ने, उनके परिवार के लोगों ने ये शिकायत की कि ये हार्ट अटैक उसको जो दिया गया, उनको हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक नहीं है, उनको संदेह था कि हमको संदेह है, इसके इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पहले उसके लड़के का ना अमित लोहा, शायद मेरा जहाँ तक मेरे उसका अमित लोहा लोया नाम था, तो उस केस में अब इन्वेस्टिगेशन की एक एप्लीकेशन दी कैसा भी इसको रीइन्वेस्टिगेट किया जाए, और उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर मोस्ट जजेस उसमें जाकर के इन्वेस्टिगेशन करें, जिससे सही और गलत का निर्णय साफ हो सके, और अगर कोई उसमें इन्वॉल्व है तो उसको पर्टिकुलर केस को एक सीनियर मोस्ट जज का सुप्रीम कोर्ट के उनके यहाँ ट्रांसफर कर और उसको अपना दोबारा उनके सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। लेकिन उसको कराने के बाद में, क्योंकि उस सुराबुद्दीन केस में अमित शाह इन्वॉल्व थे, उसको कराने के बाद में और आज वो प्रेसिडेंट बीजेपी के, तो उनको ये आशा थी चीफ जस्टिस को, ये जैसा कि पेपर्स में आ रहा है, न्यूज़ में आ रही है, तो उन्होंने अपने ये सोचा होगा कि अगर सीनियर मोस्ट जजेस के पास भेजते हैं तो ऐसा ना हो कि उसमें कोई सही बात सामने आ जाए और वो खिलाफ जाए। सवाल ये है कि आजकल जो देखने में आया है, और पीछे से भी ऐसी बात नहीं है, सरकार का इंटरफेरेंस हो रहा है, ये सबसे बड़ी जरूरत, जो कि न्यायालयों के अंदर सरकार का इंटरफेयर हो रहा है, सरकार के का इंटरफेरेंस हमेशा होता चला आया, हमेशा आप जो कोई बड़े बड़े निर्णय होंगे वो सरकार के माध्यम से ही होंगे। देखिए उसमें ये है, पहले आप जस्टिस खेर ने, इंदिरा गांधी के जमाने में जस्टिस खेर को सरपास करके, इंटरफेरेंस सरपास करके के उनको जूनियर बोस को चीफ जस्टिस बना दिया था, और उन्होंने फिर इस्तीफा। सर आप ये मानते हैं कि कुछ दिन से, कुछ सालों से ये परिवारवाद चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर? देखिए एक बात सुनिए, कुछ समय तक, काफ़ी समय से चल रहा है, आपने देखा होगा ये जजेज के, हाईकोर्ट के जजेज के लड़के जजेज बन रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों तो उनके लड़के भी कहीं जाएं तो उनका फेवर तो करते ही हैं सभी लोग, और नीचे के जजेज भी जैसे हाईकोर्ट में जा रहे हैं तो जजेज के लड़के ही जज बन रहे हैं, उनकी लड़कियां ही जज बन रही हैं, तो ये क्या, दिस इज नॉट इम्पार्शियलिटी? तो क्या ये तो संविधान का पालन नहीं हो रहा है आपके मानने? ना ना बिल्कुल नहीं हो रहा। तो सर ये संविधान का पालन कराने के लिए तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा? ये तो आप देखिए, संविधान का पालन कराने के लिए तो ये है कि जो पब्लिक है, अब पब्लिक की तरफ से आवाज़ उठे, अब इन जैसे सीनियर मोस्ट जजेज हैं, इन्होंने अपना ये जो कॉलेजियम में आते हैं, पांच जजेज होते हैं कॉलेज में, सीनियर मोस्ट पांच जजेज, चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग फोर अदर्स,
हु आर सीनियर्स, तो उनके माध्यम से ये उन्होंने ये उठाई है। आज से पहले भी आया था कि आपने देखा पहले कि जब ये जस्टिस चैलमेयर चैलमेश्वर ने ये क्वेश्चन उठाए थे इससे पीछे पिछले साल कि देखिए कॉलेजियम में भी सब कुछ ठीक नहीं है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सब कुछ मामला ठीक नहीं चला, यहाँ भी पार्शलिटी है, ये उनका मामला था। इसीलिए अब नीचे से लेकर के ऊपर तक जब इस तरह की बातें होंगी, पक्षपात होगा, तो देश तो खतरे में, स्वतंत्रता तो देश के खतरे में होगी, ये तो डेमोक्रेसी खतरे में होगी। बहुत अच्छी बात, रिटायर्ड जज हैं, सेशन जज रिटायर्ड हुआ, बहुत अनुभव है, और अपने कार्यकाल के अंदर अगर इसी तरीके से पूरे देश के अंदर अगर 20-25 जज हों तो न्याय को न्याय मिलेगा, और अन्याय को अन्याय कहने वाले रिटायर्ड जज ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज लोकतंत्र प्रजातंत्र खतरे में है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय पर सभी लोग भरोसा करते हैं आज वहाँ पर भी एक पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है, क्योंकि वहाँ अभी साफ शब्दों में बताया कि जो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो कार्य चल रहा है वो सरकार की मिली भगत से काम चल रहा है, जो सरकार चाहेगी वो काम होगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।